ये बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? और दोस्तों क्या हालचाल? उम्मीद है सब मजे में होंगे, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से रूबरू करवाएंगे भाई, जिनकी फनी हरकतें देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो देखो भाई, वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में तो भैया और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम फनी एनिमल से भरी इस वीडियो को। दोस्तों पालतू कुत्तों को जैसे ही घर के आसपास कोई नया शख्स या फिर कुछ भी अलग दिखाई देता है तो भैया वो तुरंत भौंकने लगते हैं, जिनकी आवाज से ही लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे ही हुआ यहाँ पर, ये मोहतरमा कहीं जा रही थी तभी घर के अंदर बंधा ये डॉग इन्हें देखकर बड़े ही जोरों से भौंकने लगता है। लेकिन शायद ये डॉग भूल गया था कि ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जैसे ही डॉग भौंकने लगता है तो ये मोहतरमा कुछ ऐसा करती है कि बेचारे डॉग का तो सूसू ही निकल जाता है। जरा देखिए, अगर कोई शख्स हमारी किसी काम में मदद करता है तो भी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसकी किसी काम में मदद करें या फिर उसके लिए कुछ और करें। अब दोस्तों ये बात तो हमारी है, लेकिन जरा आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए जिसमें कुछ ऐसा ही हाल है। पहले ये डॉग इस भैंस के खाने के लिए चारा लाता है, और फिर बाद में आप ही देखिए कैसे ये भैंस अपना खर्च उतारती है। दोस्तों डॉग जितने ज्यादा पालतू होते हैं भैया उतने ही ज्यादा दिमागदार भी होते हैं। अब जैसे कि आप इस डॉगी को ही देख लीजिए, ये शख्स अपने डॉगी के सामने खाने के लिए तरबूज रखता है, लेकिन उसमें वो टूथपिक लगा देता है कि जरा अब खा के दिखाओ। वही दूसरी ओर ये शख्स खुद अपने खाने के लिए एक अच्छा तरबूज लेता है, लेकिन भैया देखो डॉग तो डॉग ठहरा, क्योंकि ये इस शख्स के साथ कुछ ऐसा करता है कि बेचारा, जरा आप ही देखिए। दोस्तों जब हमें बहुत समय के बाद अपने बचपन का कोई दोस्त मिलता है या फिर रिश्तेदार मिलता है तो भैया हम उसे देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे उसे गले ही लगा लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ये दोनों दोस्त और कोई नहीं बल्कि दो घड़ियाल है जो कि पानी में ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे मानो बरसों पहले किसी मेले में बिछड़ गए थे। वैसे वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो एनिमेटेड है, क्योंकि ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दे, वीडियो पूरा असली है जिसको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे दो दोस्त सालों पहले बिछड़ गए थे और अब यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है। दोस्तों अगर वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आ रहा है तो भैया फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जैसे ही हम किसी ट्रैक्टर में, बाइक में या फिर किसी भी दूसरे वाहन में चाबी लगाकर घुमाते हैं तो भैया वो स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों ये चाबी वाला खेल तो सिर्फ वाहनों के लिए ही है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ तो भैया आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरा एक नजर आप इस क्लिप पर डालिए। इसमें जैसे ही ये शख्स इस कुत्ते के चाबी लगाकर घुमाता है तो भैया कुत्ता तो बिल्कुल वाहनों की तरह स्टार्ट हो जाता है, और फिर आगे जो होता है वो तो आप खुद ही देखिए।
दोस्तों, अगर हम कहीं बाहर हो और भैया अचानक से बारिश आ जाए, जिस वक्त हमारे पास छाता भी ना हो, तो उस वक्त हम गीले होने से बचने के लिए या तो कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं या फिर इधर उधर दीवारों की आड़ में छिप जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। अचानक बारिश होने के कारण ये सभी यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन भैया इन गोरिल्ला को दूसरी साइड जाना था। तो फिर आप ही देखिए कैसे ये हम इंसानों की तरह ही गीले होने से बचते हुए एक के बाद एक दीवार के सहारे सहारे निकल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। देखो दोस्तों, बचपन में हम सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी है और लगभग आधी से भी ज्यादा कहानियों का सार यही निकल कर आया होगा कि लालच बुरी बला है। अब दोस्तों सही भी है, लालच सच में बुरी बला है। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, इसमें हम देख सकते हैं ये चालाक पक्षी अपनी चोंच में खाना दबा कर बैठा है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये उस खाने को पानी के अंदर फेंक देता है, जिसे खाने के लिए बड़ी बड़ी मछलियां आ जाती हैं। तो फिर क्या, ये पक्षी तुरंत उस खाने को पानी में से निकाल लेता है, क्योंकि भैया ये मछलियां उसके लायक नहीं थी। लेकिन जैसे ये तीसरी बार खाने को वापस पानी के अंदर डालता है, तो सच में पक्षी की तो मौज ही हो जाती है। जरा आप खुद ही देखिए। दोस्तों आजकल बॉडी बनाना लोगों के लिए जैसे फैशन ही बन गया है, जिसे देखो वो बॉडी बनाने में लगा है। चलो दोस्तों, हम इंसान तो फिर भी देखो आकर्षक दिखने के लिए या फिर अपने शौक के चलते बॉडी बनाते हैं, लेकिन अब जरा एक नजर आप इस वीडियो पर डालिए, देखिए कैसे ये छिपकली एक के बाद एक पुशअप से लगा रही है। जरूर कुछ बड़ा करने की सुराग में है ये। अब एक नजर जरा आप इस फोटो पर डालिए, इस बकरे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे पहले कहीं ना कहीं तो देखा है, यानी कि किसी फिल्म में। वैसे आपको क्या लगता है, इसको पहले कहाँ देखा होगा? अगर कुछ याद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई इस दुनिया में लड़कियों के पास जितना एटीट्यूड होता है भैया, उतना तो शायद ही किसी के पास होता होगा। लेकिन देखो फिर भी मैं लड़कियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लड़कियों, तुम्हें जरा सिंपल रहना चाहिए, वरना एटीट्यूड तो इन महारानियों का भी किसी से कम नहीं है। भाई देखो, एक बात तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कुत्ते और बिल्ली का रिश्ता जितना गहरा है, उतना तो शायद ही किसी का होगा। अरे भाई दुश्मनी की बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ही कुत्ते बिल्ली को देखते हैं तो उस पर टूट से पड़ते हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ये तीनों कुत्ते इस बिल्ली को अकेली देखकर इस पर धावा बोल देते हैं और इसको डराने लगते हैं। वही बेचारी बिल्ली भी अकेली होने के कारण बहुत ज्यादा डर जाती है और बेचारी डर के मारे पीछे जाने लगती है। लेकिन भैया तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस बिल्ली के दोस्त की, जो कि कुछ ही पलों में पूरा खेल बदल कर रख देती है और इन कुत्तों को उल्टा पैर भगाने पर मजबूर कर देती है। जरा देखिए। नो 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 नो। भाई जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है, तो भैया दोनों ही अपने प्यार के चलते एक दूसरे से बड़े बड़े वादे करते हैं। अब इनको पूरा करना या फिर ना करना, ये तो वही जाने, लेकिन हाँ जानवर इस काम में अपने वादे के पक्के होते हैं। अब जैसे कि आप इस प्यार इसी वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें बारिश होने के कारण ये दोनों मुर्गा मुर्गी भीग रहे थे। अब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को भीगते हुए कैसे देख सकता है? अब इसी चीज को देख कर देखिए कैसे ये मुर्गा अपनी प्रेमिका को भीगने से बचाता है। बढ़िया था। वही देखो, छोटे बच्चे जैसे ही पहली बार स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले उनको अनाराम और एबीसीडी सिखाई जाती है। और एक बात हम सबको पता है कि छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जैसे कि एक बार एक टीचर बच्चों को एबीसीडी पढ़ा रही थी, जिसमें जेड फॉर जेब्रा पढ़ने के बाद एक बच्चा जेब्रा देखने की जिद करने लगा। तो भैया फिर क्या था, टीचर ने ये जुगाड़ कर लिया, यानी कि भैंस को ही जेब्रा बना दिया।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो ये फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।